बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मौजूद हाँ समलोठा डैम ने किनारे के आ ही सकने हो, डैम ही आ ही सकने हो, क्योंकि इस टाइम डैम ना पानी जड़ा है ना नीचे है और हर तरफ हरियाली हरियाली है और कणकां फिलहाल जड़ा है ना वो उगनियां पियां। राशिद साहब इस टाइम तुसां की वेलकम आने हैं। राशिद साहब तारफ करा, राशिद साहब और अक्सर जड़ा है ना डडियाल टीवी ने जड़े वीडियो बनिया वो कैमरामैन जड़े होने ना राशिद साहब होने, बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी सी कि राशिद साहब उन्होंने दसिया जाए, सो हर वेला राशिद साहब लाई होनी इन्हें की भी एक वीडियो विच सामने आना। तो अज राशिद साहब तुसा अज वजात कर सो। पहले जनाब एक हिस्ट्री नी जी चीज़ है कुआं, जिसकी आने खूह अपनी जबान, इसने बारे च पहले दसने शुरुआत तुसा को करने कि तुसा वजात करो कि क्या चीज़ है, मतलब कि थोड़ा जहा पिछा उस तो पता लग सी ना कि चीज़ एक्सप्लेन किया जाए। सबसे पहले चीज़ जी है ना जो खूह है ना, यह चीज़ है खूह और एक खूह नाल बनाई गई है। राशिद साहब ये किस मकसद मारे बनाई गई उसी है? इसी असा तो खुरली आखने, ठीक है, जानवरों की वैसे तो घरों में तुम जो देने चारा बस्ता होनी है, ठीक हो गया। खूहे नाल तो मे बी कि पानी रोकया जाना जानवरों की मतलब देने वास्ते। बिल्कुल जी, पुराना जोड़ा सिस्टम सा ना माहौल सा तो जहर है घर घर चो अजला सिस्टम तो नहीं है ना कि पैप वगैरह लगे होने, तो उसल होना सा कि जानवर वगैरह जोड़ा भी होना सा उन्हें कि पानी जो खूह उतू पिलाया जाना सा और ये चीज़ खास तौर पर बनाई जानी सी ताकि जानवर वस्तर पानी उन्हें दिता जाए। बाकी हम जुलने राज साहब पर खूह भी दसने, हालत तो इसलिए इसनी कौन ही है, लेकिन फिलहाल भी जनाब चेक करेगी ना ताकि ये ना वह के ये भी बिल्कुल खत्म हो जाए। चलो स्वीकार करे सी ना डडियाल। बाकी राज साहब ये भी एक है, इसने पर शायद मुसाफरों वास्तर पानी इकट्ठा किया जाना उसी या वो नहीं है ना बोकी ने पर जी चीज़ लाने वो शायद इसने पर फिट हुई उसी है वो उनको नहीं है। तो ये नीचे राशिद साहब खूह कितना बड़ा है, तू सुना सर जी? खूह तो अगू बड़ा है, पानी इसमें काफ़ी ऊपर है, दरिया ने पानी कही सकते वाकई जी पानी बहुत ज्यादा, इसमें मतलब खूह काफ़ी डूंगा उसी है जी। शायद को पानी मिठाई से बड़ा लगा, बहुत बड़ा कुआं आ रहा है, पूरे डडियाल सप्लाई होने वाला है, पुराने डडियाल से सप्लाई कुथा होना रहा है भाई साहब? इसका मतलब है कि पूरे पूरी जड़ी है ना इथा अच्छी नहीं उसी खूह पर, जैसे क्या माहौल होना उसी जब सारे जनाब मटके चाहे वसन तो पूजा जनाब जानवर की उन परने शरने रखे वसन तो ये जनाब ये सारी साइड रौनक ही रौनक लगे होनी उस टाइम। चलो वक्त वक्त नहीं बात होनी, जुलना राय साहब अगे भी कुछ चेक करने अगे कोई माहौल वगैरह तो फिर दसने। अच्छा राशिद साहब उन्होंने फेरी उड़ो चार च फेरे होंगे, ए जनाब खूह है और खूह ने इर्द गिर्द जड़ा है ना सिस्टम माशाल्लाह खूबसूरत, हर तरफ हरियाली हरियाली है और तुम तकी सकने हो कि कणकां जनाब माशाल्लाह खूबसूरत तरीके नाल इस टाइम फसल हो रही है। और ये राशिद साहब एक कणक तो नहीं है, इसकी क्या आखने? पलूनी आखने, पलूनी पलूनी खाने लिए आनी जानवर? अच्छा अच्छा ये जानवर ने खाने ना चला हुआ है, ठीक है जी। इस टाइम मौजूद अस खूह ने आस पास ही और कब्रस्तान नज़र आया तो सोचा कि कब्रस्तान भी उसकी नाल दसी ओड़ा, कब्रस्तान की हालत फिले है फिलहाल चेक करी कि और ये हालत इस वजह से हुई है कि इतने जरा पानी पैना है शायद दरिया ना जो पानी है ना इसने वजह से, क्योंकि दर मारना ना छाल चला के मारना ना तो इसलिए फिर जारिया चीज़ा डैमेज हो जाए तो कुछ हजरात हैं जरा कि अच्छे जाने रहने और बकायदा बाकी इसकी जिसल डैम लेना है तो इसकी दोबारा तैयार कराने कब्रा वगैरह। तो बाकी ये पूरा कब्रस्तान है कुएं ने आस पास जड़ा है, हूँ इस इलाके ना एग्जैक्ट ना तो नहीं पता असा मतलब होना ना महला भी होना ना कोई उसी है कोई महला वगैरह, लेकिन असा फिलहाल ये समलोठा ही आखसा क्योंकि बैक जड़ा है ना बिल्कुल नाल समलोठा नहीं जी रोड एक कुआं है नाल पता लगी जैसे पुराने जड़े बंदे उन्होंने एक सन 1945 नहीं है तो एक सन 1950 बिल्कुल ये जी है ना सन 1945 ये कोई दोबारा इन्ना तैयार कराइए और इन्ना लिखिया या ना और दूसरी जी 1950 इसने सू पुरानी पुरानी भी उस ने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हो ही सकनी है। बिल्कुल हाँ जी जनाब इस टाइम मौजूद हाँ सा एक और जनाब तबाहशुदा इमारत ने अपर और इतना अच्छी तो जनाब राज साहब है कि थोड़ी सेल्फियाँ चाहिए ने पता नहीं ये कुछ ने मकान होया गलबन या कोई मकान ही उसी है लगना मकान ही है जड़ा के इसने सो हालत सो और बाकी है कि इट्टा वगैरह बजरी बजरी तो नहीं खैर आखी सकने हो कि
ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀਮਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਕੀ ਛੋੜਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀ ਖੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਚਾਹੀ ਖੜਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗੀ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਜ਼ਰ ਅੱਛਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।